हेलो दोस्तों, कैसा आप सब? आई होप कि आप सारे के सारे मजे में होंगे, खैरियत से होंगे। तो गाइस, फिलहाल मैं आया हूँ दादा के यहाँ पर। हमारे घर के पीछे जो दादा है ना, खेत वाले दादा, वहाँ पर आया हूँ। और ये क्या कर रहे हैं कि गेहूँ को है ना सब फैला रहे हैं। पता नहीं गेहूँ में कौन से जानवर आता, जानवर बोल रहा हूँ सॉरी, कीड़े वो धंधोरे बोलते हैं जिसको हमारे यहाँ पर, धंधोरे बहुत सारे इकट्ठे हो चुके हैं इनके गेहूँ में। तो इन्होंने गेहूँ को सब फैला दिए हैं और सुखा रहे हैं धूप में, ताकि ये गेहूँ में से जो धंधोरे ना वो निकल जाए। ये गेहूँ कब के होंगे, ये जो पिछला सीजन गया ना, जब के होंगे, अभी तो फसल आई नहीं है वैसे। और गाइस, इतनी ख़तरनाक तरीके की धूप निकल रही है हमारे यहाँ पर डेली, जैसे कि गर्मी लग गई हो। और मुझे भी बहुत गर्मी हो रही है, जबकि मैं नहा के ही थोड़ी देर पहले ही नहाया हूँ, और उसके बावजूद भी मेरी हालत कैसी हो चुकी है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। थोड़ा बहुत काम किया मैंने, उसके बाद मैं यहाँ पर ये जो कुछ नाटक कर रहे थे, तो मैं देखने के लिए आ गया था। आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। फिलहाल मैं एक सीढ़ी पर, जिसको निसन्नी भी बोलते हैं, उस पर बैठा हूँ। देखो, ये सीढ़ी पर मैं बैठा था। और गाइस, ये घड़ी इनकी, जो कि भंगार में भी नहीं बिकेगी, इसको यहाँ रख देते हैं। ये और आपको ये दिखाते हैं कि ये देखो, गेहूँ इन्होंने फैला दिए यहाँ पर। और इसमें बता रहे हैं ये कि धंधेरे हो चुके, निकल गए अभी तो शायद। ये रहे देखो, ये निकल रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे ना, ये निकल रहे हैं। ये उधर भी फैलाए हैं, देखो। गाइस, जो टावर बनने वाला था नया, वो टावर वाला सिर्फ ये इतना बना के भग गए हैं, वापस नहीं आए हैं। तो ये क्या कर रहे हैं कि ये काम में ले रहे हैं अभी। ये देखो, गेहूँ यहाँ पर फैला दिए हैं। और ये थ्रेसर मशीन है, फसल निकलेगी ना तो यही थ्रेसर मशीन को काम में लेंगे। ये आ गए दादा, देखो। ये देखो, यहाँ भी बहुत सारे फैला दिए। अभी ये बाकी है फैलाना, क्यों कि वापस भर रहे हैं, धंधोरे हो गए थे इकट्ठे। और ये देखो, ये है ना, अंधेरा काम छोड़ के भग गए टावर वाले। क्यों दादा, टावर वाले वापस ही नहीं आए रहे? बनाएंगे कि नहीं? ये गेहूं में क्या धंधोरे आ गए? धंधोरा अपने आदिवासी भाषा में क्या बोलते धंधोरे को? तामनिया बोलते, तामनिया। गाइस, कुछ मेहमान आए हैं तो बच्चे बहुत सारे हैं। देखो ये रे, सनाया के साथ में खेल रहे हैं, इधर भी है उधर भी है, तो बच्चे बहुत सारे इकट्ठे हो चुके हैं। चलो ठीक है, भरो है ना दादा, मैं निकलता हूँ। भाई के यहाँ की है, इतनी सारी बच गई है, अभी और एक छत भरेंगे ना ऊपर, तो ये मतलब काम में आएगी। ये देखो, एक छत और बाकी ऊपर की साइड की, ये अभी भरी है, उधर वाली बाकी ऊपर वाली। बच्चे सब खेल रहे हैं, छुट्टी है ना आज भी। ये भांजी है मेरी, ये क्या नाम है आपका? अनाया। ये भांजा है, ये पिछले साल मैंने आपको दिखाया था ना, इसको दिखता नहीं था, अभी थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया इसको। दोस्तों, ये लड़के ने बड़ी मुश्किल से ये नया ट्यूब टायर डलवाया था, और एक ही दिन में हवा निकल चुकी। पता नहीं कहाँ डलवाया इसने, उधर कावे रोड पर डलवाया था, उधर डलवाया था। तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको चेक कराता हूँ क्या बीमारी है इसमें। और ये उस दुकान पर भी गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया खोलने से। अभी देखते हैं। तो दोस्तों, इनका काम कर दिया है, वाल बाटी में थोड़ी मिस्टेक थी तो सही हो गई है ना, अब नहीं निकलेगी। वो तेरी थैली रख ले, वो रही बेटा। क्या हो गया? 15 की चिग्गा। गाइस, ये बहुत बिकती है हमारे, दो डब्बे खत्म हो चुके हैं, बूमर एक बचा है। यार 15 गिनो, 15 देखो, ये 3, 4, 5, 6, 7, 14 और ये 15, ठीक है, जाओ उठा लो। दोस्तों, ये दो साइकिल दिख रही है ना ब्लैक कलर की, ये इनको है ना स्कूल में मिली है फ्री में, है ना सीताराम? अपने उधर भी मिली बच्चों को? अपने उधर नहीं मिला, अभी नहीं मिली। गाइस, ये स्कूल में मिली है, फ्री में मिली है इनको, तो सरकार साइकिलें भी बांटती है हमारे यहाँ पर। लेकिन पता नहीं क्या करते हैं, साइकिलें गायब सी हो गई, पूरी साइकिलें गायब हो गई यार। पहले मतलब कितनी ढेर साइकिलें, बहुत सारे दी है साइकिलें, भयंकर बांटती सरकार।
दिखती नहीं है, एक दो महीने चला लेंगे ना ये भंगार में बेच बूछा के दूर कर देंगे। हाँ जावेद को दे देंगे। और थोड़ी कमजोर भी है साइकिल। अंटी नहीं, अंटा अंटा फूट गया है यहाँ से देखो। फूट गया नहीं बोल सकते इसको, टूट गया बोल सकते हैं। और गाइस ये स्कूल नहीं जा रहे क्योंकि अभी इनकी छुट्टी चल रही है, एक दो दिन की छुट्टी आज भी रहेगी, कल भी शायद छुट्टी है। कल नहीं छुट्टी, ये टेप से नहीं चिपकेगा, टेप ये देखो टेप से। हमारे घर में आ चुका है कॉकरोच। कॉकरोच ही नहीं कि दूसरा कुछ, कोई मारना मत, दूसरा कुछ। अच्छा इसको ऐसा उठा के लकड़ी से बाहर फेंका, नहीं पोपट जैसा है कुछ। दे बाहर फेंका लकड़ी से, उठा पोपट तो कहीं जुड़ गया। गाइस ये देखो जुड़ गया, कितना अच्छा दिख रहा है। हाँ यार ब्लैक कर दिया तूने। तो गाइस जैसा कि हमारे यहाँ पर मेहमान आए हैं तो दाल बाटी बन रही है, और दाल बाटी हमारे यहाँ पर कौन बना रहा है, तीनों दिरानिया और जिठानिया बना रहे हैं, जो है कि तीन नहीं चार है, तो एक तो शायद कहीं गए उधर पड़ोस में, तो तीन जन अभी फिलहाल दाल बाटी बना रहे हैं। तो गाइस ये देखो ये बन रही बाटी, ये इस तरीके से कुछ पीस निकाल देते हैं आटे के, फिर इस तरीके से गोल गोल करके बाटियाँ बना देते हैं। इधर भी बन रही है, देखो ऐसे बनाओ। ये Yes. तो इसको है ना इतनी सब बनाने के बाद इतना सारा आटा, देखो ये पूरा आटा इस तरीके से बना देंगे, उसके बाद इसको सेकेंगे, सेकने के बाद हाँ पहले उबालेंगे दोस्तों, उबालेंगे उसके बाद सेकेंगे, सेकने के बाद में तलेंगे फिर खाएंगे, दाल बन जाएगी जब तक। तो एक तरफ दाल भी बन रही है, इधर भी बन रही है, तो पानी भी गर्म हो रहा है, ये मतलब उबाल लेंगे इसमें, उधर साइड में दाल बन रही है, तो आज पूरी फैमिली यहीं पर आएगी, मॉम डैड भी यहीं पर आएंगे। आज हमने ना दुकान के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा भी बोल सकते हैं या फिर छोटा भी बोल सकते हैं, हमारे लिए तो बड़ा ही है। एक माइक्रो एटीएम लिया है पेनियर बॉय का, दो तीन दिन से चार पाँच दिन से उनका फोन आ रहा था भाई माइक्रो एटीएम ले लीजिए, पर मैं उनको मना कर दे रहा था, लेकिन आज वो खुद आए थे यहाँ पर जो कंपनी वाले हैं, तो उन्होंने मुझे माइक्रो एटीएम दिया है। कितने का दिया, क्या दिया है ये तो मैं बाद में बताऊँगा, पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या चीज़ है। देखो गाइस ये रही छोटी एटीएम मशीन, आपने देखी भी होगी ये एटीएम मशीन है। तो ये यहाँ पर कुछ डेबिट कार्ड डलेगा, और ये ली है मैंने 1900 रुपये की, ये 1900 रुपये में दी है। 1900 और किस तरीके से चलाना है कैसे चलाना ये तो सब उन्होंने मतलब बताया था, लेकिन वो अब चले गए हैं और मैं उस टाइम पे शूट नहीं कर पाया क्योंकि यही मोबाइल से वो चला रहे थे, मेरे ही मोबाइल से। ये एटीएम मशीन और मैंने भी अभी तक चलाई नहीं है, पहली बार मैं भी देख रहा हूँ। ये इस तरीके से कुछ कार्ड डलेगा इसमें, या फिर ऐसा डलेगा, उन्होंने है ना बरोबर कनेक्ट करके दिया था, ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है ये, और पैसे भी मतलब निकाल के बताए थे कि किस तरीके से पैसे निकलते हैं, पिन कोड डलता है यहाँ पर एटीएम का, और निकाल के दिए थे। और ये जो पैसे हैं ये जाएंगे पेनियर बॉय में या फिर मूवी सफर में, जो मेरी आईडी उसमें जाएंगे, और अपनों को ग्राहक को नकद देना पड़ेगा। बहुत सारे ग्राहक हैं हमारे पास आते हैं इसके भी एटीएम से पैसे निकालने वाले, लेकिन ये मेरे पास थी नहीं, फाइनली अब ये ले लिए, अब जो है कि ग्राहक हमारे बढ़ जाएंगे। अभी फिलहाल एक ग्राहक आया है, उनको रवाना करता हूँ, उसके बाद देखते क्या होता है, फिलहाल मैं रख लेता हूँ इसको, और कुछ सीखना भी पड़ेगा मुझे। अफजल भैया चेक करके हवा भरना जरा अच्छे से, चेक करके हवा भरना अच्छे से, ये देख हवा चले ही बहुत सारी हवा है, देख 45 पंप अगले टायर में भरनी है, अगले में भरनी है, चलो अगले में भर दे यार, ख्वाहिश है कि इसकी पूरी कर दो, चले चेक तो कर लेते कितनी है, इधर कहीं भी नहीं है, ले देख ले ठीक है। तो गाइस पापा इतनी रात को पंचर जोड़ रहे हैं, लगभग 10:30-11 बज रही होगी, क्यों ग्यारह बज रहे उड़ाना पड़ रहा है, क्यों खराब हो गया। गाइस बहुत रात हो चुकी है और सारे मेहमान घर जा चुके हैं खाना वाना खा के, और हम भी बहुत थक गए हैं ना साहिबा, तो साहिबा अभी तक सोई नहीं है, जब तक मैं नहीं सोता हूँ साहिबा भी नहीं सोती है। साहिबा इस व्लॉग का एंड कर दो, गुड नाइट बोल दो, बाय।